नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 29 अप्रैल 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 11वीं 12वीं के छात्रों को दो भाषा विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्टूडेंट्स की लैंग्वेज समस्याओं को दूर करने के लिए यह योजना तैयार कर रहा है। अब सीबीएसई लैंग्वेज के पेपर में भी बेसिक और स्टैंडर्ड लैंग्वेज का विकल्प उपलब्ध कराएगा और अभी तक सेकेंडरी स्तर पर मैथ्स में ही ऐसी सुविधा है। जानकारी के अनुसार जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में भाषा विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं वे स्टैंडर्ड का विकल्प लेंगे, जबकि जिन्हें सिर्फ भाषा को पेपर के रूप में पढ़ना होगा वे बेसिक का विकल्प चुन सकेंगे। अभी तक सीनियर सेकेंडरी में छात्रों को एक ही भाषा विषय पढ़ना होता था। क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहे खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही एमएससी कॉलेज भरतपुर के खेल मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुसार फील्ड और खेल की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से सुसज्जित क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा। आरएसआरडीएस की ओर से क्रिकेट स्टेडियम का मास्टर प्लान ब्लूप्रिंट तैयार कर प्रशासन की ओर से सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 42.5 बीघा जमीन पर बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम में 25,000 दर्शकों के समायोजित करने की क्षमता भी रहेगी। कांग्रेस ने पंजाब से लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरार सहित 4 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन सभी उम्मीदवारों के नाम का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने राजा बरार को लुधियाना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि सुखविंदर सिंह रंधावा को गुरदासपुर, कुलदीप सिंह जीरा को खांडू साहिब से और विजय इंदर सिंह को आनंदपुर साहिब सीट से टिकट दिया गया है। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के आरोप में करीब 3 माह से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए इस मामले को अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 24 अप्रैल को भी झारखंड पुलिस मुक्ति मोर्चा श्री सोनेश का पक्ष रखते हुए उनकी अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में अजमेर मूल के डॉ. धीरज भटनागर प्रतिमूर्ति अपील प्राधिकरण के तकनीकी सदस्य बनाए गए हैं। डॉ. भटनागर को मुंबई में प्राधिकरण के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और कर्नाटक मुख्य न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश कुमार द्वारा पद की शपथ दिलाई गई। प्राधिकरण सेबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील की गई सुनवाई करने की संवैधानिक संस्था है। डॉ. भटनागर की यह नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की गई है। दौसा जिले के सराय गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आज सुबह पोषाहार बनाते समय अचानक सिलेंडर ने आग पकड़ ली, जिसके चलते पोषाहार बनाने वाली 2 महिलाएं आग की चपेट में आ गई और उन्हें बचाने हुए स्कूल के शारीरिक शिक्षक फूलचंद बेनीवाल भी आग में झुलस गए। सिलेंडर में आग की सूचना पर स्कूल में अफरा तफरी मच गई और स्कूल में मौजूद शिक्षकों ने घायलों को दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां एक महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। राजस्थान पुलिस को एक वांटेड बदमाश को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है और इस बदमाश को पुलिस एक कांस्टेबल की हत्या से जुड़े मामले में सरगर्मी से तलाश कर रही थी। बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि ये बदमाश पिछले 3 साल से फरार था और इस पर 75,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश का नाम भट्टाराम उर्फ भूपेंद्र विश्नोई है, जो भीलवाड़ा में तस्करों की फायरिंग की एक घटना के दौरान कांस्टेबल की हत्या का आरोपी है। वारदात के बाद से भूपेंद्र फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। राजस्थान में कुछ दिन पहले शादियों के सीजन में सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए थे, लेकिन अब ब्रेक लगते ही थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम धड़ाम से गिर उठे हैं। दौसा जिले की सब्जी मंडियों में आलम यह है कि जो सब्जी 3-4 दिन पहले तक थोक में 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव बिकी थी वह अब 5 से 10 रुपए के दाम पर बेची जा रही है। टमाटर का हाल तो ऐसा है कि मात्र 2 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है।
राजस्थान में पांचवी बोर्ड परीक्षा कल 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस बार परीक्षा में एक नई पहल शुरू की गई है। इस नई पहल के तहत सभी परीक्षा में शिक्षक मदद करेंगे। पांचवी बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए शिक्षक एस्कॉर्ट की भूमिका नजर निभाते आएंगे, ताकि विद्यार्थी स्कूल जाने का रास्ता नहीं भूलें और सही समय पर स्कूल पहुंच सके। यह परीक्षा प्रातः 8 से 10:30 बजे तक होगी। बूंदी जिले में रेत खनन मामले की जांच में सीबीआई की एंट्री ने बावजूद रविवार को भीलवाड़ा जिले में बजरी माफिया बेखौफ दिखे। जिले से गुजर रही बनास नदी से अवैध बजरी दोहन कर वाहन दौड़ाते रहे, यहां तक कि ट्रैक्टर और डंपर में ओवरलोड बजरी का परिवहन किया गया। एक दिन में करीब 200 ट्रैक्टर शहर में आए और कई ट्रैक्टर थानों के आगे से गुजरे, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिम्मेदार महकमे, खनिज विभाग और पुलिस एक माह से लोकसभा चुनाव में व्यस्तता का बहाना बनाकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बाड़मेर में शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी घर से इलेक्ट्रिक स्कूटी से ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान स्कूटी के पीछे से कुछ आवाज आई, रोककर देखा तो उसके पिछले हिस्से से धुआं निकल रहा था। चंद सेकंड के बाद ही धमाका हुआ और धमाके में कर्मचारी बाल बाल बच गया। यह घटना बाड़मेर शहर के उधम सिंह सर्किल के पास सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले पूरी स्कूटी जलकर खाक हो चुकी थी। जोधपुर में क्रेडिट कार्ड चालू करने का झांसा देकर ठगों ने एक युवक के खाते से रुपए निकाल लिए। इसका पता चलने पर युवक ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई। इसके आधार पर जोधपुर ग्रामीण की साइबर सेल ने युवक के खाते में ठगी की राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भोपालगढ़ थाना क्षेत्र के हीरा देसर निवासी खेताराम को क्रेडिट कार्ड कंपनी का अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड चालू करने और चार्ज नहीं काटने का झांसा देकर ठग ने ओटीपी ले ली। उसके खाते में 39,180 रुपए निकाल लिए और इसका पता चलने पर उसने 1930 पर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल के कांस्टेबल ने राशि रिफंड करवाने में सफलता हासिल की। गर्मी बढ़ने के साथ ही सीकर में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है और आज इस समस्या को लेकर सीकर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के वासियों ने कलेक्टर उल अजाम चौधरी को भी समस्या से अवगत करवाया और नियमित पानी सप्लाई की मांग की है। झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत है लामी अहिर और इस पंचायत की सरपंच नीरू यादव अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क जाएंगी। वहां से वे संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या और विकास आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस वार्षिक सम्मेलन में नीरू यादव पंचायत स्तर पर बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त करने के लिए झुंझुनू में किए गए नवाचारों पर अपने अनुभव साझा करेंगी। नीरू यादव CDP के वार्षिक सम्मेलन में चुने हुए जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व अनुभव विषय पर अपने विचार आगामी 3 मई को साझा करेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।